नमस्कार स्वागत है बच्चों आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय नागरिकता को लुशन की बुक में भारतीय नागरिकता के बारे में थोड़ा कम दे रखा है तो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर कहें कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भारतीय नागरिकता के बारे में प्रोवाइड करने वाल, वाला करवाने वाला हूँ ताकि ये जो सिटीजनशिप है इसको लेकर आपके दिमाग में बिल्कुल भी डाउट ना रहे साथ ही साथ ये एलेवंथ वीडियो है इससे पहले वाली जो सात दस वीडियोज़ हैं वो आप लोग एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं लूशन जीके करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पे और पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ पर उस टेलीग्राम के चैनल से पी भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो बिना किसी देरी के आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जब आप लूशन की बुक ओपन करते हैं तो वहां पर आप लोगों को ये भारतीय नागरिकता का चैप्टर या टॉपिक आपको मिलेगा भाग दो में आते हैं। हमने भाग भाग में में आता है है हमने कंप्लीट कर लिया है। भाग एक में क्या था एक से लेके चार आर्टिकल जैसे हमने बात की थी कि भारत के राज्य से या भारत की टेरिटरी से रिलेटेड वो थे भारत राज्यों का संघ है कोई भी कोई भी जो राज्य हम बना सकते हैं पार्लियामेंट के पास वो पावर है तो वो दो तीन चार ये आर्टिकल हमने क्लियर यहाँ पे अब बात कर रहे हैं हम भाग तीन भाग दो की भाग दो में जो है वो आर्टिकल क्या है पांच से लेके तक आर्टिकल आते हैं और यहाँ पर जब आप बुक ओपन करते हैं तो कहीं पर भी आपको पांच, आट, नौ, दस, कहीं पर भी मेंशन नहीं मिलता तो मैंने मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीजें बतानी चाहिए कि ये पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह है क्या यहाँ पर फिर यहाँ पर जो ये बात की गई है ना आपको बुक के अंदर मिलेगा तो ये बात की हुई है भारतीय नागरिकता अधिनियम उन्नीस की ये तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो नागरिकता दी जाती है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया तो उसमें बताया गया कि अलग अलग टाइप से कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जैसे जन्म से कर, कर सकते हैं वंश परंपरा या द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या फिर हम कहीं किसी क्षेत्र पे अधिकार हो जाता है भारत का तो उसके अकॉर्डिंग नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तो ये कुछ पांच टाइप होते हैं जिससे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और तीन टाइप ऐसे होते हैं जिससे नागरिकता खत्म हो जाए, मतलब नागरिकता खत्म की जा सकती है क्या इस पे जाने से पहले ये 1955 पे जाने से पहले आपको ये समझना होगा कि 15 अगस्त जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ और जब संविधान लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 तो ये दो ढाई साल तो जो थे जिसके अंदर भारत में लोग आए भी पाकिस्तान की तरफ से आए भारत से पाकिस्तान में वापस गए और फिर पाकिस्तान से वापस भारत में आए तो ये जो लोग थे दो ढाई साल के अंदर जो मूवमेंट हुई तो इनको नागरिकता कैसे दी गई तो इसके बारे में पहले एक बार ये जान लेते हैं कि भाई यहां पर आर्टिकल पांच से लेकर ग्यारह तक ये किस किस के बारे में बात करते हैं फिर इस अधिनियम के बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा देखिए ये डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है बात है उन्नीस 19 जुलाई उन्नीस की देखिए भारत आजाद हुआ उन्नीस को तो उन्नीस 19 जुलाई उन्नीस से पहले पहले क्या था कि भारत में किसी के भी आने की और जाने की भी इजाजत थी भाई बिना ही कोई आपके परमिट के आप आ सकते हो जा सकते हो कोई भी रोक टोक नहीं थी लोग आवाजाही कर रहे थे तो उन्नीस 19 जुलाई उन्नीस को क्या होता है एक परमिट सिस्टम लागू किया जाता है परमिट सिस्टम क्या था एक तरीके का ऐसा समझो देखो उस वक्त देश आजाद हुआ तो कोई पासपोर्ट या वीजा का सिस्टम तो लागू कर नहीं सकते थे तो ये एक परमिट सिस्टम लाया गया 19 जुलाई 1948 को तो इस परमिट सिस्टम में क्या कहा गया कि आपको अगर किसी दूसरे देश में जाना है भले पाकिस्तान से भारत में या भारत से पाकिस्तान में जाना है तो आपको अपनी गवर्नमेंट से एक परमिट सिस्टम लेके या परमिट लेके आना पड़ेगा तब हम आपको एंट्री देंगे यहां पर तो ये जब लागू किया एक अल्टरनेटिव था पासपोर्ट या वीजा का फिर ये जब लागू किया गया तब भी भारत के जो लोग हैं वो भारत में आ रहे थे भारत से मतलब पाकिस्तान में भी जा रहे थे ये मूवमेंट चल रहा था तो अब आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है कि 12 अगस्त 15 अगस्त उन्नीस से लेकर 26 जनवरी ये क्या हो रहा है 26 जनवरी 1950 सौ इस बीच में जो लोग भारत में आए उनको नागरिकता कैसे प्रोवाइड की गई, गई इस चीज़ को हम सबसे पहले समझते हैं तो हमारे सामने जो है कुछ आर्टिकल हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं जैसे हमने देखा ना भाग दो कर रहे हैं ठीक है ये भाग दो है और इस भाग दो में पाँच से ले कर ग्यारह तक आर्टिकल है तो थोड़ा सा एक बार इन आर्टिकल्स को हम चेक कर लेते हैं कि क्या है देखिए कुल हमारे सामने कितने आर्टिकल हो गए सात आर्टिकल हो गए एक आर्टिकल पाँच हो गया एक छः हो गया एक सात हो गया एक आठ हो गया एक नौ हो गया एक दस हो गया और एक ग्यारह हो गया तो ये कुल टोटल हमारे सामने क्या है सात आर्टिकल हो गए क्लियर अब इसके बाद बात करें देखिए पांच से लेके आठ तक देखिए पांच से लेके आठ तक ये पांच से लेकर ये जो आठ तक ये जो आर्टिकल है ये क्या बताते हैं ये बताते हैं कि अगर छब्बीस जनवरी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू है ठीक है तो 26 जनवरी 1950 को यह डिसाइड किया गया कि कौन नागरिक होगा और कौन नहीं ये बातें जो है वो पांच से लेकर आठ आर्टिकल तक लिखी गई हैं। तो द्वारा सुनिए कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है तो वहाँ पर ये आर्टिकल जो थे इनमें यह डिसाइड किया गया कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा क्योंकि देखिए उस वक्त भारत में बहुत सारे लोग आए भी थे गए भी थे तो इस चीज़ को डिसाइड करना जरूरी था तो यहाँ पर जो था इसमें डिसाइड किया गया अच्छा ये नौ जो था इस नौवें आर्टिकल में क्या डिसाइड किया गया कि भारत में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है और कैसे भारत की नागरिकता का लॉस हो सकता है ये तो दो चीज़ें ये डिसाइड होगी यहाँ पर और यहाँ पर जो आपके सामने बच जाता है दस और ग्यारह इन दोनों आर्टिकल में क्या कहा गया कि पावर है पार्लियामेंट के पास कि पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो कि संविधान मतलब कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकती है उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गई होंगी तो एक बार आप लोगों को थोड़ा सा इनका ओवरव्यू मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ जैसे पांच जो आर्टिकल है वो क्या कहते हैं पांच आर्टिकल में ये बात बोली गई गई कि अगर एक पर्सन के पास डोमोसाइल है एक पर्सन के पास अगर क्या है डोमोसाइल है तो वो भारत का नागरिक है ये पांचवें आर्टिकल में बोला गया देखिए आज की डेट में तो डोमोसाइल कैसे चलता है कि आज की डेट में डोमोसाइल चलता है किसी राज्य का पहले देश का डोमोसाइल हुआ करता था तो उस बेस पे डिसाइड किया जाता था कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं क्लियर अब यहां पर छः आर्टिकल में क्या बात बोली गई अगर एक पर्सन जो पाकिस्तान से भारत में आया है उसको कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी तो ये आर्टिकल छः के अंदर बोला गया क्लियर लेकिन एक सेट कंडीशन ये थी कि उसके माता पिता या उसके माता पिता नहीं तो उसके दादा दादी या उसके दादा दादा नहीं तो उसके परदादा या परदादी जो है वो भारत के जो है वो वहां पर रहे हो तो ये एक कंडीशन यहां पर थी जो पाकिस्तान से आया हो ठीक है जो पाकिस्तान से आया हो एक तो ये चीज होगी यहां पर सेवन आर्टिकल में क्या बात बोली गई ये बात बोली गई कि इसमें सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी अगर एक पर्सन जो है वो पाकिस्तान से आया हो एक मार्च एक मार्च उन्नीस सैंतालीस के बाद एक मार्च उन्नीस के बाद अगर वो भारत में आया है पाकिस्तान से तो उसको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी ये इसके अंदर बात बोली गई आठवें आर्टिकल में ये बात बोली गई अगर कोई पर्सन जो है मतलब भारत भारत से बाहर रह रहा है कोई काम से तो उसको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी वो पाकिस्तान की अलग बात करूँ कि किसी और दूसरे देश में अगर वो रह रहा है किसी दूसरे देश में वो निवास कर रहा है तो उसको कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी तो इसमें आठवें आर्टिकल में यह बात की गई थी इसमें यह शर्त थी कि उसकी तीन जनरेशन में से कोई एक भारत में रही हो तो यह सब चीजें होगी हमारे पांच से लेकर आठवें आर्टिकल तक क्लियर हुआ तो अभी फिलहाल क्या है कैसे सिटीजनशिप दी जाती है तो वो जो भारतीय अधिनियम नागरिकता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है वो सिटीजनशिप दी जाती है जिसके अंदर हम पांच वेट जो है वो डिस्कस करने वाले होंगे तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई ना कि पांच से लेकर आठ तक जो है वो नागरिकता ये पहले के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाए आप एकदम से छलांग ना मारो कि ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 हम सीधा पढ़ रहे हैं भाई ये पांच छह सात आठ ये आर्टिकल कहाँ गए या नौवा या दसवा ये ग्यारहवा आर्टिकल कहाँ गया क्योंकि लूशन की बुक में आप लोगों को ये आर्टिकल मेंशन हुए हुए नहीं मिलेंगे इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये आर्टिकल अलग से यहाँ पर करवा दिए हैं तो चलिए एक बार देखिए अब यहाँ पर आ जाते हैं यहां पर आप लोग एक बार इसको सारे को रफ कर देता हूं मैं अब बात करें अब देखिए सीधा अब हम इस पे आ रहे हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इसके बारे में बात करेंगे अब ये जो चीजें होगी पाँच से लेकर आठ तक नौवें आर्टिकल की बात होगी दसवें आर्टिकल की बात होगी ग्यारहवें आर्टिकल की बात होगी इनके ऊपर हम डिटेल से नहीं जाने वाले हैं जितना आपको ओवरव्यू चाहिए था मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया अब हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम उन्नीस की तो भारतीय नागरिकता अधिनियम उन्नीस में कैसे नागरिकता दी जाती है तो उसमें बोला गया कि देखिए आपको पांच तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी नागरिक को नागरिकता दी जा सकती है और उन पांच तरीकों को मैं आप लोगों को अलग करके यहाँ पर बताने वाला हूँ इनको छोड़ दीजिए मतलब है तो यही जन्म वंश देशीकरण और पंजीकरण तो ये तो वही है लेकिन मैं अपने स्टाइल से यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ क्लियर तो देखिए उन्नीस के द्वारा उन्नीस एक्ट के द्वारा कैसे नागरिकता ली जा सकती है तो यहां पर मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं तो पांच तरीके हैं जिससे नागरिकता ली जा सकती है दो तीन चार और ये पांच तो पांच तरीके थोड़े सा राइटिंग बड़ी अजीब सी होती जा रही है कोई ना धीरे धीरे भी सही हो जाएगी तो पहला है बाय बर्थ यानी जन्म से जन्म के आधार पर नागरिकता एक एक करके बात करेंगे बहुत अच्छे से ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बता दिए जन्म से तो सर जन्म से कैसे कैसे होते हैं जो भी आपके डाउट उठने वाले ना वो सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले एक है बाय डिसेंट बाय डिसेंट के द्वारा क्या है मतलब वंश परंपरा वंश परंपरा द्वारा वंश परंपरा द्वारा ठीक है एक ही हो गया एक है बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के द्वारा यानी पंजीकरण के द्वारा एक है बाय एक एक है बाय बाय नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण के द्वारा देशीयकरण के द्वारा ठीक है और एक है बाय इनकॉरपोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी भूमि विस्तार के द्वारा यहां पर हिंदी में लिख देता हूं भूमि विस्तार के द्वारा तो ये वे हैं जिससे जो है वो आज की डेट में नागरिकता दी जाती है एक एक-एक तो अभी करेंगे इसमें क्या है बाईड अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक है तो उसको नागरिकता डिसेंट के द्वारा दी जा सकती है ठीक है बाय रजिस्ट्रेशन क्या होता है बाय रजिस्ट्रेशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेके बैठा है लेकिन वो भारत का ही ओरिजिन मतलब कि वो इंडियन ओरिजिन का है भाई भारत भारत में भारत में कभी पैदा हुआ था लेकिन आज उसने यूएस की नागरिकता, नागरिकता ले लिया है लेकिन अब वो चाहता है कि वो भारत वापस भारत की नागरिकता ले तो वो कैसे नागरिकता ले सकता है तो वो बाय रजिस्ट्रेशन है तो बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय मूल को दोबारा से भारत की नागरिकता लेनी होती है तो वो पंजीकरण के द्वारा आते हैं देशीयकरण में क्या होता है यानी बाय नेचुरलाइजेशन क्या होता है कि इसमें अब सोचो कि अमेरिका का नागरिक यानी अमेरिका का मूल निवासी क्या चाहता है कि वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है अब यहां पर मैं बात यह कर रहा हूं कि भारत का गया हुआ नागरिक नहीं जो अमेरिका की नागरिकता लेके बैठा नहीं वो अमेरिका का नागरिक था अमेरिका में पैदा हुआ था अमेरिका के शुरू से नागरिक रह रहा है 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 वो वो उसके माता पिता सब जो थे ठीक है? एक अंग्रेज अंग्रेज समझ लो यहां पे अगर उस अंग्रेज को भारत की नागरिकता लेनी है तो वो कैसे लेगा तो वो देशीयकरण के द्वारा जो है वो नागरिकता ली जाएगी उसके इसमें भी कुछ कंडीशन है हम उन चीजों को भी देखेंगे फिर आता है भूमि विस्तार के द्वारा भूमि विस्तार का मतलब यह है कि कल को अगर सपोज भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया जैसे ये हमारा तो बेटा है ही हम तो कर ही लेंगे कभी ना कभी अखंड भारत जो है अगर हमने भारत पे पाकिस्तान पे ऐसा कब्जा कर लिया अपना तो वहां पर जितने भी रहने वाले लोग हैं तो उनको हम क्या कर देंगे भारत सरकार उनको नागरिकता ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करवा देगी तो ये भूमि विस्तार के द्वारा होगी नागरिकता देना क्लियर यहाँ पे तो अब बात करते हैं सबसे पहले बाय बर्थ के द्वारा कि बाय बर्थ के द्वारा कैसे नागरिकता दी जा सकती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं बाय बर्थ बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर जन्म के आधार पर नागरिकता आधार पर नागरिकता का प्रदान होना ठीक है इसमें थोड़ी चीज़ें आपको समझनी होंगी कुछ डेट इन वो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लेकिन फिर से बता देता हूँ कि वो डेट आपके समझने के लिए है आपको उन चीज़ों को याद नहीं करना है तो बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है इसको समझिए ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म भारत में हुआ है ठीक है बाय बर्थ किसके लिए जिनका जन्म भारत में हुआ है लेकिन कंडीशन ये है कंडीशन क्या है अब ये कंडीशन आप लोगों को समझनी है कि कंडीशन ये है कि उनका जन्म 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई उन्नीस इससे पहले पहले ध्यान रखना इस बीच में अगर यहां पर किसी बच्चे का जन्म होता है कौन सी डेट बोली है? मैंने 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई उन्नीस तो यहां पर उस बच्चे को सीधे तौर पर नागरिकता मिल जाएगी बिना यह जांचे कि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं या नहीं काफी इंपॉर्टेंट चीज बोली है मैंने 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई उन्नीस अगर इस बीच में किसी बच्चे का जन्म हुआ था तो उसको सीधे तौर पे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक हो या ना हो यह बिना जांचे ही तो ये हो गया यहां पर फिर थोड़ी बहुत डेट चेंज होती है डेट चेंज होती है जुलाई उन्नीस से लेकर जुलाई उन्नीस से लेकर तीन दिसंबर 2004 अब यहां पर जो होता है यहां पर ये डेट चेंज होगी अब इस नाइनटीन के बाद क्या होता है देखिए 1967 से एक रूल चलता है फिर वो 2004 तक चलता है इसमें क्या होता है देखिए इसमें ये होता है कि अगर बच्चे का जन्म इस डेट के बीच में हुआ है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा अगर के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो पर क्या बोल दिया गया अब एक, क्या, एक का नागरिक होना जरूरी है भारत का चाहे वो उसके माता का हो या फिर चाहे वो पिता का हो तो यहां पर एक बात बोल दी गई 26 जनवरी 1950 में तो कोई ये देखा भी नहीं जा रहा था भले ही दोनों नागरिक ना हो लेकिन बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी लेकिन उन्नीस से लेकर 2004 में क्या कर दिया गया भाई माता पिता के आधार पर जो है वो नागरिकता देनी स्टार्ट कर दी गई यहाँ पर फिर 2004 के बाद अब क्या चल रहा है भाई दिसंबर दिसंबर 2004 के बाद 2004 के बाद अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि अब कैसे दी जा रही है नागरिकता भाई अब ये दी जा रही है कि देखिए दो में क्या था एक कानून आया या संशोधन कह सकते हैं उसमें यह कहा गया एक इन माइग्रेंट को वहां पर परिभाषित किया गया कि इन माइग्रेंट माइग्रेंट जो है वो क्या होते हैं तो ये बात बोली गई 2004 के बाद कि बच्चे का जन्म अगर भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता तब दी जाएगी अगर उसके माता पिता में से, माता पिता पिता में में से से कोई एक भारत का नागरिक हो सर अभी तो आपने ऊपर बोला कि इनमें से कोई एक नागरिक हो तब भी यहां पर दी जा रही थी लेकिन यहां पर भी बोल रहे हो कि आप एक नागरिक हो माता या पिता में से तब भी नागरिकता दी जा सकती है डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस है जैसे मैंने बोला ना कि 2003 में एक इीगल इलीगल माइग्रेंट को परिभाषित किया गया तो यहां पर यह बात बोली गई कि भाई यहां पर माता पिता में से कोई एक नागरिक हो लेकिन दूसरा वाला इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए उसके प्रॉपर कागजात होने चाहिए यहां पर यह सब चीजें प्रूफ होनी चाहिए कि वो भारत में एक तरीके से फोर्जर या फिर धोखाधड़ी करके नहीं आया है तब दी जाएगी यहां पर तो यह चीज यहां पर इंट्रोड्यूस हो गई क्लियर हुआ तो ये था बाय बर्थ के आधार पर तो अब आपके सामने जितनी डेट्स आई है ना ये 1950 1967 67 यहाँ पर 2004 2003 ये सब चीजें ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए भारत में क्या था नागरिकता को लेकर टाइम टाइम पर संशोधन होते रहे जैसे 57 में 1957 में 1960 में 1985 में 1986 के अंदर 1980 uh, 92 के अंदर uh, 2003 में uh, 2005 के अंदर हो गया यहां पर

अगर वो राजनायिकों के बच्चे हैं राजनायिका बोले तो डिप्लोमेट जैसे भारत में अमेरिका के लोग मतलब अमेरिके एम्बेसी है तो अमेरिक अमेरिकी जो है वो अपने परिवार के साथ आता है यहाँ पर वो एम्बेसी में काम करता है अमेरिका की तो यहाँ पर जब वो आके रहेगा तो अपने बच्चों के अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ आएगा और उसको कोई कल को कोई एक बच्चा होता है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाती है वहाँ पर ठीक है तो राजनायकों के बच्चे जो भारत में रहते हैं या पैदा होते हैं उनको भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती साथ ही साथ भारत जिन जिस दिन जिन देशों के साथ युद्ध में हो और दो तो उनके बच्चों को भी नागरिकता नहीं दी जाएगी तो ये चीजें होगी यहां पर एग्जाम्शन के तौर पर तो ये हो गया हमारे सामने बाय बर्थ कैटेगरी हमने इसको समझ लिया है क्लियर हुआ अब बात करें बाय डिसेंट के दौरान अब हम बात करते हैं बाय डिसेंट यानी वंश परंपरा के आधार पर इसको समझते हैं हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इस वीडियो को आप मतलब अच्छे से समझ में आए तो थोड़ा बहुत भैया हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं वंश परंपरा वंश परंपरा कैसे सपोर्ट कर सकते हैं भाई अरे बिल्कुल आसान है ना जो लाल कलर का इस कलर में जैसे लिख रहा हूँ तो आपको एक बटन मिलेगा नीचे तो उसको प्रेस कर देना सब्सक्राइब हो जाएगा मेरी हेल्प हो जाएगी बस आपका फ्री है कुछ आपको जाना नहीं है आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है अच्छा बात करें वंश वंश परंपरा परंपरा के पर। के आधार आधार पर पर देखिए क्या था ये उन लोगों के लिए था जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ हो और माता पिता भारत के नागरिक हो समझना इस चीज को बाय वंश बाय डिसेंट यानी वंश परंपरा के आधार पर क्या था जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ हो लेकिन माता पिता क्या हो भारत के नागरिक हो तो ये उनके लिए था लेकिन यहां पर भी कुछ कंडीशन थी कि 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 ये डेट जो है वो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए है 26 जनवरी 1950 10 दिसंबर उन्नीस ये डेट है कि भारत का नागरिक तभी माना जाएगा कोई बच्चा जो है वो भारत के बाहर पैदा हुआ है अगर उनके माता पिता में से इस डेट में बात कर रहा हूं अगर उसके माता पिता में से मतलब पिता जो है वो भारत के नागरिक हो लेकिन यहां पर क्या बोला गया पिता जो है वो भारत के नागरिक होने जरूरी हैं कब तक यह छब्बीस जनवरी 1950 में बोली गई उन्नीस तक यह बात ठीक है अब क्या होता है उन्नीस के बाद क्या होता है भाई 1992 में एक जो है कानून और आ गया था जिसमें ये बहुत बोल दी गई थी कि हां माता के आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है तो दिसंबर उन्नीस से लेकर दिसंबर 2004 तक देखिए 2004 तक क्या था माता के आधार पर भी जो भारत की नागरिकों उनके आधार पर भी क्या है नागरिकता दी जाने लगी अगर बच्चा जो है वो भारत के बाहर पैदा हो रहा है तो ये दो चीजें होगी आपके सामने पहली क्या 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर उन्नीस तक कोई बच्चा अगर भारत के बाहर पैदा हो रहा है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी अगर उसके पिता जो है वो भारत के नागरिक होंगे इसमें थोड़ा संशोधन किया गया अब माता के आधार पर भी जो है वो भारत की नागरिकता दी जाने लगी अगर माता जो है वो भारत की नागरिक है तो बच्चे को भारत की नागरिकता दी जा सकती है ये दिसंबर दो तक चला अब क्या होता है अब प्रेजेंट की सिचुएशन सुनो जरा दिसंबर 2004 से लेकर आज जो प्रेजेंट चल रहा है आज जो प्रेजेंट चल रहा है जो बच्चा अगर भारत के बाहर पैदा हो रहा है उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी भले ही उसके माता-पिता में से कोई भी भारत का नागरिक क्यों ना हो फिर से सुनो मैंने क्या बोला इंपॉर्टेंट है आज की डेट में अगर कोई बच्चा सपोज भारत के बाहर पैदा हो रहा है सपोज अब वो अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिका में पैदा होने के बाद उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल जाएगी भले ही उसके माता पिता जो है वो भारत दोनों के दोनों के भले क्यों ना हो भारत के नागरिक हो तब भी वो नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी मिलेगी तब कि उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन उसके माता पिता के द्वारा करवाया जाएगा एक साल के अंदर अंदर वहीं पर इंडियन कॉन्सोलेट के अंदर भाई होती तो है ना हर जगह भारत की कॉन्सोलेट तो होती है वहां पर तो एम्बेसी तो होती है तो एम्बेसी में जाके रजिस्ट्रेशन करा लें कि ये हमारा बच्चा है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही नागरिकता दी जाएगी ये आज की डेट का जो है वो नियम हो गया उम्मीद करता हूं कि ये तीनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ दिसंबर उन्नीस में माता पिता के आधार पर दी जाती थी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माता के आधार पर कब नागरिकता दी गई वंश परंपरा के द्वारा तो ये आपको ध्यान रखना है उन्नीस के बाद क्योंकि उन्नीस में एक कानून आ गया था उसके आधार पर माता के आधार पर भी नागरिकता दी जाने लगी लेकिन आज की डेट में क्या भाई माता हो या पिता हो भले ही दोनों भारत के नागरिक हो बच्चे को नागरिकता नहीं दी जा सकती अगर वो भारत के बाहर पैदा हुआ है उसको एक ही कंडीशन पे नागरिकता मिलेगी उसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कॉन्सुलेट में एक साल के अंदर अंदर माता या पिता के द्वारा करवा देना चाहिए क्लियर हो गया यहाँ पे तो दो चीजें होगी हमारे सामने बाय बर्थ और बाय डिसेंट अब आप हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला देखिए बाय रजिस्ट्रेशन ठीक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों को मैं एक डेमो के द्वारा समझाऊंगा काफी अच्छा है ठीक है बाय रजिस्ट्रेशन या फिर कहें इसको पंजीकरण ठीक है पंजीकरण कह लें या बाय रजिस्ट्रेशन कह लें चलते हैं, बात करते हैं, ये उन लोगों के लिए थी जो भारतीय मूल के थे किन के थे भारतीय मूल के थे और आज जो है वो भारत के नागरिक नहीं है उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना ली है और अगर अब वो चाहते हैं कि हम भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं ठीक है ठीके? लेकिन यहां पर जो था आ, कुछ कंडीशन थी उनके, उनको उनको फुलफिल करना जरूरी था अब देखिए यहां पर एक टर्म यूज होती है पर्सन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन सन ऑफ इंडियन ओरिजन इसका मतलब कि जो इंडिया में पैदा हुआ हो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाता है लेकिन वो किसी दूसरे देश में रह रहा हो ठीक है इस चीज़ का यानी उसने दूसरी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो लेकिन इनके अंदर कुछ देश शामिल नहीं थे उनको ध्यान रखना है कि यहां पर एक्जम्पन यानी इन देशों में रहने वाले लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में कंसिडर नहीं किया गया वो कौन कौन से थे जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश चाइना ईरान भूटान श्रीलंका और नेपाल इन देशों में रहने वाले लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से बाहर रखा गया के देशों में रहने वाले लोगों को जो भारत के भारत में पैदा हुए थे उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा गया ठीक है तो इन देशों को आपको ध्यान रखना है अब यहां पर इस चीज को ध्यान रखना, कुछ कंडीशन में यहां पर लिख रहा हूं कि देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किनको कहेंगे जिनके पास जिनके पास जिनके पास कभी ना कभी कभी ना कभी क्या है भारतीय पासपोर्ट रहा हो भारतीय पासपोर्ट रहा हो तो उसे क्या कहेंगे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे या फिर उसके दादा या दादी या फिर उसके परदादा या परदादी माता पिता तो हैं ही इन जो हैं वो अविभाज्य भारत के नागरिक रहे हो या फिर वहाँ रहे हो जब भारत के आज़ाद होने के बाद भारत का हिस्सा बने हो क्लियर यहाँ पे तो उसके बाद क्या होता है कि वो इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है नागरिकता ले सकता है और कौन होता है इसी पर्सन पर्सन ऑफ ओरिजिन के अंदर पर्सन ऑफ ओरिजिन के अंदर कौन आता है इंडियन ओरिजिन के अंदर आता है इनमें उन्हें भी कहा जाता है इनमें या फिर उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है जिन्होंने भारतीयों से शादी की हो यहाँ पे जिन्होंने भारतीयों से शादी की हो वो भी इस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अंदर आते हैं लेकिन जो देश मैंने आप लोगों को बोले हैं उनका ध्यान रखना कि उन देशों के लोग जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अंदर कंसिडर नहीं होते हैं या उन देशों को बाहर रखा गया है कौन कौन से हो गे? वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश चाइना ईरान भूटान श्रीलंका और नेपाल हो गए क्लियर तो बाय रजिस्ट्रेशन किन किन के लिए है फिर से मैं बता देता हूं जिनके पास कभी ना कभी पासपोर्ट रहा हो भारतीय पासपोर्ट रहा हो या फिर जिन्होंने कभी भारतीय के साथ शादी कर ली हो या फिर उनके माता पिता या फिर उसके दादा दादी या परदादा या परदादी जो है वो भारत के अविभाजे भारत के हिस्से रहे हों या फिर भारत ने आजाद होने के बाद जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया वो उसके नागरिक रहे हों तो वो क्या कहलाते हैं वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन कहलाते हैं और इनके पास ये अधिकार होता है कि वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं अगर वो आज की डेट में किसी दूसरे देश नागरिक हैं लेकिन इनमें ध्यान रखना कौन कौन से देश शामिल नहीं है जो मैंने आपको बोले हैं क्लियर अब इस चीज़ को मैं आप लोगों को एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगी एक मिनट एक मिनट अच्छा अब ये ये क्या हो रहा है हाँ अब यहाँ पर आप देखिए कंडीशन समझाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को कंडीशन समझनी है ठीक है तो एक एक्स है एक वाई है ठीक है एक्स ठीक है यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूँ मैं एक्स के ऊपर जो ये महिला ये मतलब एक कपल समझ लो क्या महिला लिखना है ठीक है एक्स और वाई एक कपल हो गए ठीक है ये एक कपल हो गए कपल वन लिखता हूँ एक यहां पर जो है दूसरा कपल ले लेते हैं यहाँ पर ठीक है ये ए है और ये बी है ये दूसरा कपल हो गया यहाँ पर ठीक है एक बार कंडीशन समझनी आपको अब ये दोनों जो है दोनों कपल स्टार्टिंग से मतलब ये भारत के नागरिक हैं, भारत में पैदा हुए हैं ये भारत के ही नागरिक हैं। अब क्या है ये भारत के नागरिक इनको किसी दूसरे देश में जाना पड़ गया अब दूसरे देश में जब जाना पड़ गया मान लो इन दोनों को इन दोनों कपल्स को क्या था अमेरिका जाना पड़ गया अमेरिका जाना पड़ गया और जब ये अमेरिका गए और जब ये अमेरिका गए तो इस एक्स और वाई जो ये कपल था अमेरिका जाने के बाद इनका एक बेटा हो गया जेड बेटा कर लो या बेटी कर लो या इनका एक संतान हो जाती है जेड कहाँ हो जाती है अमेरिका में हो जाती है ठीक ऐसे ही ए बी जो एक्स ए बी जो थे ये भी जब अमेरिका में गए तो इनका भी एक बच्चा हो जाता है मान लो ये हो जाता है सी क्लियर यहाँ पे अब एक कंडीशन तो ये है कि भाई ये जो दोनों कपल्स हैं अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिला सकते हैं कैसे वहाँ वहाँ पर जाके इंडियन कॉन्सुलेट में जाके रजिस्ट्रेशन करा दें तो वहाँ पर इनको नागरिकता मिल जाएगी इनके बच्चों को तो ये हो गया सिंपल स्नेरियो अगर वो नागरिकता नहीं दिलाते हैं भाई सी और जेड यहाँ पर इनको नागरिकता इनके माँ बाप नहीं दिलाते हैं तो होता क्या है कि बाहर के जो लोग हैं वो अपने बच्चे को वहीं की नागरिकता दिलाना पसंद करते हैं सपोज इन दोनों को नागरिकता मिल गई वहाँ की अपने अमेरिका की तो भाई ये सी जो है वो भी अमेरिका बन आ, अमेरिकन बन गया ये जेड जो है ये भी अमेरिकन बन गया ठीक है अब ये हो गया अब कंडीशन समझो जरा ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक्स और वाई और ए भी जो दो, दो कपल है वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जान के उनके बच्चे हो जाते हैं और अब वो अपने बच्चों को अमेरिका की नागरिकता दिला देते हैं अब समझो ये जो कपल है ए और बी कपल दो अब ये जो है वो इनका काम खत्म होता है अमेरिका में और अमेरिका में काम खत्म होने के बाद ये वापस आते हैं भारत में अब इन्होंने तो अपनी सिटीजनशिप छोड़ी नहीं थी तो भारत में आकर इनको वापस अपनी नागरिकता तो मिली हुई है ही लेकिन इनके जो बेटा है या बेटी जो है वो जब वो भारत आता है तो उसको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी अब इसके ऊपर बात करते हैं ठीक है अब क्या वो नागरिक बन नागरिकता ले सकता है या नहीं ले सकता भारत की बेशक ले सकते हैं अब कैसे ले सकते हैं भाई उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं या नहीं इस आधार पर जो है वो भारत की नागरिकता ले सकता है ध्यान से समझना मैंने क्या बोला ए और बी जो कपल थे वो अमेरिका में गए अब उनका बच्चा हुआ उन्होंने अपने बच्चे को अमेरिकन की नागरिकता दिलवा दी अब ए बी जो थे उन्होंने कभी अपनी सिटीजनशिप छोड़ी नहीं थी भारत की और वो वापस भारत आते हैं और अपने बच्चे को साथ में भारत ले आते हैं अब इस बच्चे के पास क्या थी अमेरिकन सिटीजनशिप थी या फिर कहीं इसके पास अमेरिकन पासपोर्ट था क्या अब इसको भारत की नागरिकता मिल सकती है नहीं मिल सकती बेशक मिल सकती है कैसे मिल सकती है अभी हमने डिसेंट के द्वारा तो समझा कि भाई अब वो भारत में आएगा उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी जाएगी और उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी ये एक हमारे सामने अब हम भारत में नहीं जाएंगे और हम भारत की नागरिकता को छोड़ दें और अब हम जो है वो अमेरिकन नागरिक बन जाते हैं और एक्स और वाई जो है अमेरिका में रहकर अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं तो अब इनके पास क्या आ गया अरे क्या हो गया अब इनके पास क्या अब इनके पास क्या आ गया भाई इनके पास आ गई एक अमेरिकन नागरिकता ये भी क्या हो गए अमेरिकन हो गए ठीक है अब इन्होंने अपनी अमेरिकन नागरिकता ले ली है भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया है इनका बच्चा ऑलरेडी जो था अमेरिका में पैदा हुआ था इसके पास तो थी अमेरिकन नागरिकता ही क्लियर हो गया यहाँ पर अब क्या है कि इन्होंने रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया अब हो गए ये बोर अमेरिका से अब आते हैं भारत वापस कहते हैं नहीं भैया हम अब जच नहीं रहा अमेरिका में तो हमें जाना है भारत अब हमें जाना है भारत अब तो क्या है कि अब इनको भारत की नागरिकता चाहिए अब कंडीशन आती है क्या इनको भारत की नागरिकता मिल सकती है नहीं मिल सकती अब आपको समझ में आएगा बाई रजिस्ट्रेशन क्या है अब बाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या है कि इनको भारत की नागरिकता मिलेगी कैसे इसके ऊपर अब आती है कंडीशन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं देखिए एक ओ आता है अगर वो भारत आ रहे हैं अब वो भारत आ रहे हैं है। तो भारत में इनके पास अगर ओ कार्ड है ओ कार्ड ओ कार्ड क्या होता है कि ओवरसीज ऑफ़ ओवरसीप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होगी तो अगर इनके पास ये कार्ड है तो ये कार्ड है देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं या तो हाँ है एक तो ना यानी एक तो है एक या नहीं हो सकता अगर इनके पास ये ओवरसीज सिटीजनशिप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये वाला कार्ड है ओ कार्ड है तो इनको भारत में आकर नागरिकता क्या मिलेगी भाई एक साल रहना होगा और वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उनको नागरिकता मिल जाएगी लेकिन कंडीशन ये है कि ये ओ जो कार्ड है इनके पास जो है वो पाँच साल तक पहले होना चाहिए मतलब ये पाँच साल के होल्डर होने चाहिए इस ओ के लिए पाँच साल इनके पास कंप्लीट हो जाते हैं इस ओ को धारण किए हुए फिर जब वो भारत में आएंगे तो भारत में सिर्फ एक साल ही इनको रहना पड़ेगा और ये रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं यहाँ पर एक्स और वाई क्लियर हो गया अगर इनके पास ओ नहीं है तब क्या होगा तो इनको भारत में आकर सात साल रहना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तब जाके इनको नागरिकता मिल जाएगी क्लियर यहाँ पे? तो ओ के द्वारा कैसे पांच साल तो हो जाने चाहिए उसके पास ओ कार्ड होते हुए और एक साल रहना होगा भारत में यानी छह साल का यहां पर क्राइटेरिया रहेगा लेकिन ओ नहीं है तो सात साल का क्राइटेरिया रहेगा तो ये हो गया हमारे सामने ए एक्स और वाई को नागरिकता देने के नियम यहां पर

क्लियर हो गया तो अब उम्मीद करता हूँ कि बाई रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लियर हुआ अब एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को बोली थी कि कोई व्यक्ति जो है भारत के भारतीय से शादी भी करता है तो उसको भी इंडियन और भारतीय क्या कहते हैं अरे यार ये चल के हाँ जो व्यक्ति भारत के भारत से नागरिक करता शादी करता है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी भाई उसको सात साल आके भारत में रहना होगा तो वो क्या है भारत की नागरिकता ले सकता है क्लियर हुआ ये सारा सिस्टम जो मैंने आप लोगों को समझाया है उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी अब बात करते हैं देखिए हमारे सामने क्या क्या हो गए हैं हमारे बर्थ बाय बर्थ बाय डिसेंट यानी जन्म से वंश परंपरा के आधार पर और पंजीकरण ये तीन हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब हम चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं तो चौथा कौन सा हो गया हमारे सामने चौथा हो गया अच्छा यार चौथा हो गया हमारे सामने बाय बाय नेचुरलाइजेशन बाय नेचुरलाइजेशन अरे यार ये अटक क्यों रहा है इसको दोरे क्यों पड़ रहे हैं अरे यार बाय नेचुरलाइजेशन ठीक है अरे 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 चल जा अभी यार चल जा बाय नेचुरलाइजेशन बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है देशीयकरण द्वारा देशीयकरण द्वारा ठीक है अब ये उन लोगों के लिए है जो समझो भारत के नागरिक थे ही नहीं वो किसी दूसरे देश के नागरिक थे मतलब वो किसी दूसरे देश के मूल निवासी थे और अब वो चाहते हैं कि उनको देश भारत देश बहुत पसंद आया होगा और अब वो चाहते हैं कि वो भारत की नागरिकता लें ये उनके लिए होता है सपोज कोई कनाडा का नागरिक था भाई उसको भारत से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ उसको लगा कि यार मैं तो भारत में आके रहना चाहता हूँ तो वो अब अंग्रेज जो है वो भारत में आके रहना चाहता है तो वो कैसे नागरिकता ले सकता है तो उसके लिए प्रावधान जो है वो देशीकरण के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं अब यहाँ पर कुछ कंडीशन हैं उनको हम देख सकते हैं तो उनको देख लीजिए कंडीशन क्या है अब उसके बारे में बात करते हैं इसमें कंडीशन दी गई है ठीक है कंडीशन क्या है कि यहां पर जो है उसके पंद्रह सालों का रिकॉर्ड देखा जाएगा उस व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता नागरिकता लेना चाहता है किसी दूसरे देश का है तो उसके पंद्रह सालों का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा इन पंद्रह सालों में से देखिए इन पंद्रह सालों में से एक दो तीन चार तीन गया चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये पंद्रह साल का जो है ये पंद्रवा जो साल है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जब वो है इसका फुल ऑन चेकअप किया जाएगा कि वो एक साल से पूरा लगातार भारत के अंदर रह रहा है नहीं रह रहा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी के ये जो पंद्रह चौदह साल जो हैं इनमें से वो कम से कम जो है वो ग्यारह साल जो है वो भारत में रहा हो यानी टोटल बारह साल हो गया क्लियर लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाए तो वो पूरा एक साल रह रहा हो उसने कहीं पर भी आवाजाही मतलब कि दूसरे देश में ना गया हो वो एक साल लगातार भारत में रहा हो तो ये चीज जो है वो यहां पर चेक की जाती है अगर वो नेचुरलाइजेशन के द्वारा जो है वो भारत की नागरिकता ले रहा है इसके अलावा क्या है इसके अलावा कि भाई उस व्यक्ति को भारत की जो आठ अपनी एट्थ स्कैड्यूल के अंदर जो बाईस भाषाएं हैं उसका थोड़ी बहुत जो है उसको नॉलेज होनी चाहिए वो एक अच्छे चरित्र का होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि वो भारत की नागरिकता लेने के बाद वो भारत में रहेगा या बस ऐसे काम करने काम चलाना काम चला रहे हैं अपना आ, मतलब जब यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा तो यहाँ से चला जाएगा तो एक चीज़ ये भी देखी जाएगी यहाँ पर अब इसके अलावा ये सब चीज़ें अगर फुलफिल होती हैं भाई उसने पंद्रह साल भारत में या फिर कहें कि वो बारह साल भारत में रह लिया हो उसको थोड़ी वो तो नॉलेज भी हो उसका चरित्र भी अच्छा हो और एक्चुअल में वो रहना चाहता है भारत में अगर ये सब चीजें भी फुलफिल होती हैं तब भी चाहे भारत सरकार उसको मतलब कि भारत की नागरिकता नहीं दे सकती एक कंडीशन के आधार पर क्यों कि भी अगर उसके देश में ये देखा जाएगा कि अगर कोई भारत का नागरिक कनाडा में जाता है क्या कनाडा में भी देशीयकरण के द्वारा उसको नागरिकता मिल रही है या नहीं मिल रही है वहां पे भी कोई ऐसा कानून है या नहीं है अगर ऐसा कानून नहीं है तो भारत जो है वो उस देश के नागरिक को भी इस नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता नहीं देगा तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी दूसरी चीज कि क्या सर ये जो कंडीशन है वो क्या थोड़ी बहुत ढील नहीं दे सकते बेशक दे सकते हैं सपोज करिए अगर बिल गेट्स को भारत की नागरिकता लेनी हो तो क्या वो बारह साल तक वेट करेगा नहीं तो भारत सरकार इसमें क्या कर सकती थोड़ी ढील दे सकती है और यहां पर उनको नागरिकता प्रोवाइड कर सकती है तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है ये स्पेशल केस होते हैं यहाँ पर और फिर आता है अपने सामने लास्ट केस जो हो गया हमारे सामने लास्ट केस कौन सा हो गया बाय इनकॉर्पोरेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी या फिर कहें भूमि विस्तार द्वारा भूमि विस्तार भूमि विस्तार द्वारा तो ये हो गया हमारे सामने एक ही पांचवा जो है ठीक है ये जो लास्ट जो है इसके द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी अगर कोई क्षेत्र के ऊपर भारत जो है अपना अपने अधीन ले, ले लेता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाती है एक तो ये चीज़ हो गई अब आपको पता है कि भारतीय संशोधन दो का हो गया जिसके अंदर हमने इलीगल माइग्रेंट को परिभाषित किया गया था नाइनटीन जो था आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जिसमें माता के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था लेकिन आज तो भाई कुछ भी है चलता रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और आपको 2019 का भी पता है कि उसके अंदर सीएए आया हुआ है जिसके अंदर जो अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है हिंदू सिख जैन पारसी ईसाई बौद्ध इन समुदाय लोगों को जो वहां के जो लोग हैं जो माइनॉरिटी मै, हैं तो वहां की नागरिकता देने का प्रावधान इस 2019 सीएए में किया गया था क्लियर हो गया यहाँ पर अब ये सी ये जो है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है तो इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल जो है हम बात कर लेते हैं कि सिटीजनशिप का अंत कैसे होता है ठीक है अब बात करें देखिए ये चीज़ होगी हमारे पंजीकरण हमने ये चीज़ कर लिया है ओके इसके अलावा देखिए यहाँ पर चल लेते हैं एक बार थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं जन्म से हमने देख लिया है वंश परंपरा हम देख चुके हैं देशीयकरण और देशीय द्वारा नागरिकता कैसे दी जा सकती है ये हम देख चुके हैं देख चुके हैं पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे दी जा सकती है ये भी हम देख चुके हैं देखिए वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं भविष्य में करेंगी ठीक है इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं आवेदन देकर क्या कर सकते हैं भारत की नागरिकता या रजिस्ट्रेशन के द्वारा नौकरी मतलब कि प्राप्त सकते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्लियर हो गया यहाँ पर कॉमनवेल्थ वो होते हैं जिसके अंदर कभी ब्रिटेन ने जब राज किया था वो उन सभी देशों को मिलाकर कॉमनवेल्थ या फिर राष्ट्रमंडल देश का नाम दिया गया है ओके okay. अब बात करते हैं कि लॉस कैसे होता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप लॉस ऑफ सिटीजन यानी भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है इस चीज को हम चेक करते हैं देखिए अब तीन तरीके हैं भारत की नागरिकता का अंत होने का तीन तरीके कौन कौन से हैं इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं तीन तरीके कौन कौन से पहला तरीका है बाय रिनंशियेशन बाय रिनिएशन बाय रिनिएशन का मतलब है नागरिक बाय बायनशियेशन का मतलब है नागरिकता का परित्याग परित्याग कर देना न करने से या कर देना या करने से ठीक है एक ही बात हो जाएगी अच्छा सेकंड हमारे सामने क्या है जो सेकंड मेथड है बाय टर्मिनेशन ठीक है बाय टर्मिनेशन बाय टर्मिनेशन हो गया टर्मिनेशन में क्या होता है कि किसी दूसरे देश की या किसी अन्य देश की देश की नागरिकता स्वीकार कर लेना स्वीकार कर लेना एक ही हो गया अब एक और होता है थर्ड जो होता है इसको कहते हैं बाय डेप्रीवेशन बाय डेप्रीवेशन तो ये हो गया यानी भारत सरकार के द्वारा नागरिकता छीन लेना तो ये थर्ड का होता है अच्छा फर्स्ट वाले को समझते हैं तो फर्स्ट में क्या होता है देखिए फर्स्ट में ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है तो उससे क्या कहते हैं कि भारत की नागरिकता का अंत हो जाता है और इसमें क्या होता है इसमें किसी व्यक्ति का कोई बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है तो उसकी भी नागरिकता जो है वो खत्म हो जाती है इसमें यह माना जाता है भारतीय नागरिक नहीं होगा अगर उसका बच्चा जो है वो अठारह साल से कम होगा तो एक तो ये तरीका हो गया यहाँ पर बाइन अब एक होती है हमारे सामने बाय टर्मिनेशन का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की जाके नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भी नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि भारत में एकल एक नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है तो क्या है वो दो ड्यूल सिटीजनशिप नहीं रख सकता तो यहाँ पर भी खत्म हो जाती है अब बात करते हैं बाई डेप्रिवेशन इसमें जो है वो भारत सरकार जो है वो नागरिकता किसी किसी भी नागरिक की नागरिकता कैसे छीन सकती है तो इसको देख लेते हैं अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने में अगर उसने गलत दस्तावेज इस्तेमाल किए थे भाई कोई दूसरे देश का था वो देश में आकर रह रहा है तो उसने अगर गलत दस्तावेज दिए थे और भारत सरकार को इस चीज़ का पता चलता है तो वो भारत की नागरिकता मतलब ले सकती है उसे छीन सकती है एक तो ये हो गया दूसरा ये अगर कोई व्यक्ति भारत के भारतीय संविधान के प्रति अगर वफादार नहीं है तो भारतीय नागरिकता भी छीनी जा सकती है तीसरी बात यह होगी भारतीय नागरिकता उस समय भी छीनी जा सकती है जब अगर भारत किसी देश के साथ युद्ध के समय में मतलब लगा हुआ है और कोई व्यक्ति उस दौरान जिससे देश जिससे भारत जो युद्ध कर रहा है उसके साथ किसी तरह का वो ट्रेड या कम्युनिकेशन में शामिल पाया जाता है तो वहां पर भी उससे नागरिकता छीनी जा सकती है और यहां पर अगर कोई व्यक्ति जो है वो भारतीय नागरिक यानी कोई भारतीय नागरिक सात साल या उससे भी ज़्यादा समय भारत के बाहर बहता है तो उसे क्या है नागरिकता उससे छीनी ली जाएगी तो यहां पर यह चीज़ होगी और एक और कंडीशन होती है जो उन पर लागू होती है जो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के द्वारा जो है भारत की नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता लेने के बाद वो पाँच साल के अंदर किसी दूसरे देश में की जेल में दो या दो से अधिक साल के लिए अगर वो बंद रहते हैं तो उस हालात में उनसे भी इनकी नागरिकता छीन ली जाती है ये बाई डिप्रीवेशन हो गया यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आएगी जो बोले हैं वो आप लोगों को लिखने हैं सारी चीज़ें ठीक है तो ये भूमि विस्तार मैंने आप लोगों को समझा दिया है ये भारतीय संविधान संशोधन नाइनटीन इस अधिनियम के द्वारा क्या था भारतीय नागरिकता नाइनटीन में थोड़े बहुत संशोधन कर दिए गए थे कि अब भारत में जन्म लेने वाला केवल व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी उसके माता पिता में से नागरिक हो ठीक है अब इस चीज़ को ध्यान रखना आपको इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए वह जो व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता करना चाहता है तो भारत में कम से कम ये देखिए यहाँ पाँच नहीं है सब एक्चुअल में यहाँ पर बारह है आपको ध्यान रखना एक साल तो आपको परमानेंट रहना होगा ग्यारह सालों में उनको मतलब कि रहनी होगी यहाँ पर अब बात करें देशीयकरण के द्वारा हो गया देशीयकरण के द्वारा भी हमने चीज़ों को समझ लिया है भारतीय नागरिकता का अंत भी हमने चीज़ों को समझ लिया है तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस वीडियो की पी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं साथ साथ वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत जल्द अगली बार हम मिलेंगे भारतीय जो हम फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों के बारे में वहाँ पर चर्चा करने वाले और बहुत अच्छे से इन चीजों को हम देखेंगे ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही था थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो